अच्छा ये बताओ भारत में क्या नहीं है, ये तो आप बता ना पाओगे कि भारत में क्या है, ये बताओ भारत में क्या नहीं है, बोलो। अब हम बताएं भारत में क्या है, सुनो। जो लोग अमेरिका लंदन पेरिस चले जाते हैं वो कहते हैं अरे विदेशों में बड़ा अच्छा है, वहां अच्छा है, भारत से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। एक सज्जन बोले महाराज जी भारत देश में इतनी पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं, अमेरिका जापान में कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई व्रत उपवास नहीं है, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल कंट्री है, वहां इतना धन है, इतना पैसा है, इतना लोग वहां संपन्न है, और भारत में इतनी गरीबी है, इतना परेशान है भारत। भारत को कुछ लोग कहते हैं ये गरीब देश है, अन्य कंट्रियों को लोग कहते हैं ये अमीर देश है। अच्छा आप बताओ आप लोग अमीरी और गरीबी का पैमाना किससे तय करते हैं? आपके लिए अमीरी और गरीबी को तय करने के लिए क्या है? केवल पैसा। आप लोग सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा अमीर, जिसके पास कम पैसा वो गरीब, आपका यही है, यही कसौटी है आपकी, पर ये सिस्टम ही गलत है। आज मैं आपको बताता हूं कि अमीरी क्या है और गरीबी क्या है, और फिर आप बताना कि भारत कब गरीब था। सुनो हम भारतीय लोग जो हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है वो कहती है कि हमारा भारत जो है चरित्रवानों का देश है। किसका देश है? जोर से। आप पूरी दुनिया में घूम के आना, आपको विधवा स्त्री कहीं नहीं मिलेगी भारत के अतिरिक्त। मिलेगी? भारत के सिवा आपको विधवा स्त्री दुनिया के किसी कोने में मिल जाए तो मुझे बताना। बताओ क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं मिलती विधवा स्त्रियां? क्योंकि विदेशों में कोई विधवा होती नहीं, एक पति चला गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तो तीसरा जिंदाबाद, तीसरा गया तो चौथा जिंदाबाद, वहां कोई विधवा नहीं होता। हां लेकिन हमारे देश में स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, क्यों? अरे विधवा वहीं होती हैं जहां चरित्र हो कि पति चले गए तो उसकी विधवा रह के जीवन जी लेंगी, पर स्वप्न में भी पराए पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डालेंगी। ये संस्कार यदि कहीं का है तो सिर्फ भारत का। अब आप बताओ एक व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है और एक व्यक्ति चरित्रवान है तो आपकी नजरों में बड़ा कौन है, पैसे वाला या चरित्र वाला? हमारे देश में पैसे वाला बड़ा नहीं है, पैसे वाला तो रावण था, उसकी लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने, और बनवासी राम थे जिनके पास घास की झोपड़ी थी, उनके चरणों में जाकर हनुमान जी बैठ गए। वो हनुमान जी जो उन घर में घुस के मारते हैं लंका वालों को, जो सोने की लंका में आग लगा देते हैं, जिनके पास अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो हनुमान जी वो घास की कुटिया में रहने वाले राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का चरित्र श्रेष्ठ है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। रावण धनवान है और राम चरित्रवान है, आप बताइए बड़ा कौन, पैसे वाला या चरित्र वाला? जोर से, जोर से। हाँ और आप लोग कहते हैं अमेरिका लंदन जापान इत्यादि जो भी है विदेश, उनको आप कहते हैं अरे बहुत पैसा, अरे पैसा तो वैश्या के पास भी बहुत होता है, आपके क्षेत्र की कोई वैश्या होगी उसके पास आप लोगों से ज्यादा धन होगा तो आप उसे बड़ा मान लोगे। इसलिए भारत पैसे से कभी, भारत ना पैसे को कभी महत्व देता ही नहीं है। हमारे संस्कार हैं कि पैसे
व्यवस्था के लिए है, पैसा माई बाप नहीं है। हम भारतीयों ने पैसे को महत्व नहीं दिया, हमने आध्यात्म को, भगवान को महत्व दिया। इसलिए हमारे यहाँ धन को बड़ा नहीं बताया। मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो राम है, मेरा धन तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन तो राधा है, राम है, कृष्ण है। जिस देश के लोग कृष्ण को अपना धन मानते हो, बताओ वो धन के पीछे क्यों भागे? धन के पीछे भागने वाला बड़ा है या भगवान के पीछे भागने वाला बड़ा है? धन के पीछे भागने वाला बड़ा है या सत्य के पीछे भागने वाला बड़ा है? हम भारतीय हैं साहब, यहां झूठ बोलना भी पाप मानते हैं। अब कुछ बोल रहे हैं, अब बेईमानी लोग कर रहे हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, पर जो हमारी माटी है ना, वो धरती ईमानदारों की, सच्चे लोगों की धरती है। ये पहचान भारत की, सच्चाई की। यहां पर प्राण जाए पर यहां एग्रीमेंट नहीं होता था, यहां लिखे तो मैं एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती थी, यहां तो जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। यहां जवान की कीमत है। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर सत्य नहीं छोड़ा। बोलो हाँ। अब आप कहो कि भारत गरीब है, कहां गरीब है भाई, किस में गरीब? पैसे नहीं है इसलिए कह रहे हो? क्या करना चाहते हो? पैसे वाला बनना चाहते हो? आप अपना चरित्र बेचकर पैसे वाले बन भी गए तो उस पैसे का क्या अर्थ है? क्या मूल्य है उस पैसे का? है तो पैसा वैश्य के पास, क्या मूल्य उसके पैसे का? पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि वो चरित्र खरीद सके। आपके पास होगा पैसा बहुत, बताओ आपका पैसा क्या क्या खरीद सकता है? संसार की वस्तुएं खरीद सकता है पैसा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता, हाँ या ना? इसलिए भारत विदेशों में लड़की 18 साल की होती है आजाद हो जाती है, वहां का कल्चर है। जहां मन पड़े वहां जाए वहां की लड़की, जिसके संग रहना चाहे वहां रहे वहां की लड़की। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में माँ बाप बच्चे को, देखो बच्चे को जन्म देकर छोड़ देना ये तो कुत्ता और सुअर की हरकत है। बच्चों को परवरिश करना, उनके संस्कारवान बना करके उन्हें समाज की सेवा में लगाना, ये हमारी संस्कृति रही है। हमारे यहाँ क्या कहा है? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। विदेशों के बारे में आपने ये सुना कि नहीं? लड़की 18 साल की, लड़का 18 का हुआ तो छोड़ देते हैं, जहां मन करे वहां जाए, ऐसा सुना है या नहीं? नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। अब बताओ बच्चे बड़े हो गए तो छोड़ देना, ये तो सुअर वाली हरकत है। सुअर खा खा के आदमी सुअर ही होगा, प्रसाद खा करके भगवान का, तब जाकर के वो विवेकानंद होगा, तब जाके वो राम और हनुमान होगा। इसलिए आप भारत की तुलना विदेशों से जब करते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता। आप मतलब जो लोग करते हैं, भारत भारत है, भारत की माटी, भारत में जो काम वाली बाई तुम्हारे घर में रहती है, उस काम वाली बाई की, उस काम वाली बाई के पांव में लगी धूल जो है, वो धूल भी नहीं बन सकता कोई विदेशी, उसके पांव की धूल नहीं बन सकता। भारत के जो संस्कार हैं, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। सोने की कमी हमारे देश में कभी नहीं थी। आज अमृतसर में एक मंदिर है, आपने सुना होगा, गोल्डन टेंपल, आप जानते भी होंगे, सोने का है। जैसे आज अमृतसर में गोल्डन टेंपल है एक बच्चा भारत में, ऐसे हमारे देश में मुगलों के, अंग्रेजों के पहले 7000 मंदिर थे ऐसे, गोल्ड गोल्ड के, सोने सोने के। लोग कहते हैं भारत गरीब है, अरे भारत में लुटेरे आए लूटने के लिए,
और लुटेरा गरीबों के यहां लूटने नहीं जाते। इसलिए भारत पैसे की तो मैं बात ही नहीं करता, हमारे देश में पैसे का महत्व ही नहीं है। हमारे यहां पैसा वैसा छोड़कर एक राजा के बारे में आप एक नहीं अनेक राजाओं के बारे में यह सुना होगा कि राजा लोग अपने राज सिंहासन को छोड़ करके जंगल में भगवान के भजन के लिए चले जाते थे। सुना है ऐसा? मतलब राज गद्दी को छोड़ करके भगवान के लिए चले जाते थे, मतलब उनके जीवन में धन का कोई विशेष अर्थ नहीं था। हाँ, पैसा व्यवस्था के लिए है, होना चाहिए। और आप लोग पैसे को ही माई बाप मान के भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसलिए तुम्हें विदेश अच्छा लगता है क्योंकि तुम संस्कारहीन होते जा रहे हो। जहां संस्कार की बात होगी तो संस्कारवान लोगों को तो भारत ही अच्छा लगेगा।